बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला के करम से, उसकी रहमत से, उसके फजल से बिल्कुल चंगे चंगे ठीक ठाक होवोगे। तो अज असी तुहानू विखाने आ कि भैंस का दूध किस तरह निकालिया जाता है, बफेलो मिल्किंग किस तरह होंदी आ। तुसीं देख सकते हैं कि भाई साढ़े आ रहे दोधी साहब, तो इन्होंने मझां चोणियां शुरू कर दित्तियां, गावां चोणियां शुरू कर दित्तियां। तो बहरहाल असी पिंड विजिट करन गए हुए सी, तो सानू तो नहीं ये आंदा, लेकिन मैं कह के चलो छोटी जिनी वीडियो बना के तुहाडे नाल शेयर कर दी जाए, तो तुहानू भी जिहड़े पिंड रहिंदे रहुंदे आ या जिस तरह किसी नूं दुध चुना नहीं आंदा, तो असी उन्हां नूं विखा दईए कि किस तरह दूध निकालिया जांदा। वेखो दूध किन्ने मराहल तो गुजर के साडे कोल पहुँचता वा। दोधी साहब ने हुण दुध लैके जाना वा, फिर इहदे च इहने पानी पुनी मिक्स करना, बर्फ बुरफ पानी, पता नहीं फिर होर की पाएगा, तो फिर अगे शहरां दे विच दे के आएगा। तो बाकी अल्लाह करे कि ना ही इन्ना कुछ पाए। चलो पानी पा ले थोड़ा बहुत, जिहड़ा उहने पाना है वह तो पाना ही पाना है। खालस दुध बहुत ही मुश्किल लभदा, बहुत ही मुश्किल लभदा, शहरां दे विच ते बिल्कुल नहीं लभदा जे, बड़ी ही मुश्किल लभदा जे। तो असी पिंड गए हुए सां ते खालस दुध पीता, थोड़ा चाह शाह पीती, दुध पत्ती ला ला के पीती। यकीन मनो इंज सी जिवें खोया ही मूँह च जा रहा हुंदा, बहुत मज़ा आया। बहरहाल खालस दुध नहीं, शहरां च नहीं जे मिलता इन्ना, जिन्ना मर्जी कोई कही जाए कि अच्छा है दुध अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं मिलता, ठीक है ना। तो यह वेखो हुण भैंस नूं रेडी किया जा रहा दुध निकालन वास्ते, बहुत यानी कि अच्छा लगता माहौल जिहड़ा ना। इस तरह वेखो टाइम दे नाल ही दुध चोंदे, असर टाइम दा वा, शाम टाइम दा ना दुध चोंदे, सुबह टाइम दी ते खैर मैं वीडियो नहीं बनाई हैगी। तो हुण असीं तुहानूं एक वीडियो होर भी विखावांगे इस तों बाद। असीं विलेज गए हुए सां, विलेज लाइफ नूं इंजॉय कीता, तो तुसीं भी साडे नाल नाल इंजॉय करो, तो साडे नाल नाल रहो, तो साडे नाल नाल तुसीं भी पिंड दा माहौल वेखो, तुहानूं भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। असीं शहरां दे लोगां नूं कदी कदी वेखना तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन जिहड़े लोग उत्थे रहिंदे आ वो इंजॉय तो करदे आ, खालस चीज़ां ते उहनां नूं मिलदियां, लेकिन उहनां नूं वक्त बहुत करना पैंदा वा। हुण जो मझां दा चारा कटना, लियाना, रखना, सारा एक मुश्किल काम हुंदा वा, लेकिन क्योंकि वह पिंड च रहन वालियां फिर आदत हो गई हुंदी, वो इसलिए करते रहेंगे, तो उन्होंने वास्ते फिर इन्ना मुश्किल नहीं हुंदा जिन्ना साढ़े जां शहरियां वास्ते। उत्थे जा के सानू वेख के तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन जो करना पे तो फिर असी लोग कितों कर पावांगे इन्ना ना, क्योंकि हर बंदे दी अपनी अपनी आदत बनी हुई, अपनी अपनी रूटीन बनी हुई हुंदी आ। तो हुण इन्हां दी भी रूटीन बनी, इन्हां दी भी आदत बनी, पट्ठे लियाने, कुतरने, कटने, कटने, कुतरने, मझां दे अगे पाने, इन्हां नूं बाहर बन्नना, रखना, करना, उस तों बाद दूध निकालना, सारा प्रोसैस जिहड़ा हुंदा ना बहुत लंबा हुंदा। अच्छा, तुहानूं साडी वीडियो अच्छी लगी होवे तां साडे चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर देना, ते इस दे नाल ही इजाज़त दिओ। अल्लाह हाफिज़।